तो भाईजान ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब बंदे के पास पैसा आता है ना तो उसके कपड़े हो जाते हैं छोटे। अब असल में मसला ये था, पहले मैं स्किनी था तो मुझे मज़ा नहीं आता था स्किनी होने में, कहता था यार थोड़ा सा हेल्दी हो जाऊँ, थोड़ा सा अच्छे हो जाए। फिर शॉर्ट पहनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि अब यार मज़ा नहीं आएगा, मैं हाफ स्लीव्स नहीं पहनता था, फुल स्लीव्स ही पहनता था। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं ना, जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, नई नई चीज़ें करते हो, नई नई एक्टिविटीज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जाकर मिलते हो, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें ना आसान हो जाती है। नई चीज़ों को जब आप एक्सप्लोर करते हो ना, तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, अगर आप भी उसी लूप में फंसे हुए हो अपने जॉब के लूप में, देखो जॉब बुरी नहीं होती, बुरा है कि कम कमाना जो होता है ना वो बुरा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसमें आप लोग परेशान हो जाते हो। तो इसलिए मैं ज़्यादा है ना यार फ्रीलांसिंग को प्रमोट करता हूँ, ई कॉमर्स को प्रमोट करता हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कोई भी एक अपनी स्किल चूज़ करें, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप अपनी स्किल चूज़ करें, यूट्यूब पर जाएँ, फ्री लर्निंग है मेरे भाई। जो बंदा यूनिवर्सिटी जाता है ना वो भी यूट्यूब पर जाके लर्निंग करता है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें किस में आप अच्छे हो, सेल्स में अच्छे हो, बेचने में अच्छे हो, मार्केटिंग में अच्छे हो, डिज़ाइनिंग करने में अच्छे हो, ठीक है ना। जिस चीज़ में आप अच्छे हो उस नीश को पकड़ें, यूट्यूब पर जाकर सीखें और अपना करियर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।